मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। थाने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार यानी कि 5 दिसंबर को मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक रमेश लाहीगुड़े को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस निरीक्षक रमेश लाहीगुड़े ने 80,000 रुपये की मांग की थी। एसीबी के एक अधिकारी ने बताया है कि आरोपी एपीआई रमेश लाहीगुड़े ने कथित तौर पर एक व्यक्ति से 80,000 रुपये की मांग की थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 498A महिला उत्पीड़न और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी थाने के पुलिस अधीक्षक एसपी सुनील लोखंडे ने कहा है कि हमें शिकायतकर्ता से शिकायत मिली थी कि मुंब्रा पुलिस स्टेशन के एपीआई रमेश लाहीगुड़े ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए उनसे 80,000 रुपये की डिमांड की थी। आईपीसी की धारा 498A, 323, 504 और आईटी अधिनियम की धारा 377 के तहत उन पर शिकायत दर्ज की गई थी और शिकायत मिलने पर हमने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एपीआई रमेश लाहीगुड़े 52 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि हमने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एपीआई के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी।